Hello, Swami Kumar, Bhutta. How are you? Bhutta, you are having your viva today or facility? People are having in viva today, Bhutta. Umaima belonging there. Yes, ma'am. Actually, you people are having any viva today? Yes, ma'am. आज से 16 तक सबके वाइवाज हैं. ठीक है बेटा, तो आपके बाकी क्लास के लिए उस क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहे? I don't know, ma'am. Link है WhatsApp पर. ठीक है, आप उन्हें टेक्स्ट कर दें कि मैम इज सेइंग ज्वाइन द क्लास, टुडे इज योर लास्ट लेक्चर, तो मेक श्योर कि आप लोग लेक्चर अटेंड करें. ठीक है, इफ यू आर नॉट हैविंग ओके मैम. एनी वाइवा राइट नाउ. ओके मैम.
कहती हूँ क्या हुआ?
अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बट दिस इज वेरी नॉट सीरियस एटीट्यूड. इफ यू पीपल आर हैविंग एनी वाइवा टुडे, यू शुड इन्फॉर्म मी बिफोर. योर टीचर इज वेटिंग फॉर यू टू जॉइन द क्लास. बेटा ये सब्जेक्ट पेशेंट सेफ्टी इतना अनवर्थी है, आप लोगों के लिए इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. फाइनल असेसमेंट नहीं देनी आप लोगों ने इसकी, ठीक है बेटा? मुझे तो कोई इशू नहीं, मैं आपको ये लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ाती, ठीक है? इसमें से एग्जाम्स में आएगा तो आप लोगों ने मुझे नहीं कहना. यू पीपल डोंट इवन बॉदर टू इन्फॉर्म मी. मैम कंफर्म नहीं था कि क्लास आज है या नहीं. बेटा क्यों नहीं कंफर्म था जब लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कहा कि आपकी नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास है. मैम सॉरी, आई एम कोऑपरेटिंग विद यू पीपल, इट डजंट मीन बेटा कि आप लोग मुझे इन्फॉर्म भी नहीं करें और मैं आपका यहाँ वेट करती रहूँ. सॉरी मैम, पता नहीं चल रहा अभी. यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, यस मैम. मैम ग्रुप में मैसेज कन्वे कर देते हैं. आई डोंट केयर बेटा आप कौन अटेंड कर रहे हैं और कौन नहीं कर रहा. ये आपका लास्ट लेक्चर है, आई एम डिलीवरिंग दिस लेक्चर. जो भी स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, सो फाइनली बेटा ये आपका लास्ट लेक्चर है पेशेंट सेफ्टी का. इसमें आपको इसमें आपके साथ डिस्कस किया जाएगा कि मेडिकेशंस के हवाले से, विद रिस्पेक्ट टू मेडिकेशंस, हमें क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, क्या गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी चाहिए एक हेल्थ केयर वर्कर को या फिजिशियन को या डॉक्टर जो आपको रिकमेंड कर रहे हैं, प्रेस्क्राइब कर रहे हैं मेडिसिन, उसको क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए प्रेस्क्राइब करने से पहले, और पेशेंट्स को फिर फर्दर और उनकी फैमिली को क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए मेडिकेशन के रिस्पेक्ट में. अब बेटा क्योंकि हम हॉस्पिटल सेटअप और हेल्थ केयर सेटअप की बात कर रहे थे, तो हॉस्पिटल सेटअप में, हेल्थ केयर सेटअप में, जहाँ पे हमने पेशेंट्स की सेफ्टी की बात की है, जहाँ पे हमने केयर गिवर्स की सेफ्टी की बात की है, क्वालिटी इंप्रूव करने की बात की है, मैनेजमेंट की बात की है, वहाँ हम आज ये डिस्कस करेंगे कि मेडिकेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जो आपको ड्रग्स दिए जाती हैं, जो आपको मेडिकेशन प्रेस्क्राइब की जाती हैं, विद रिस्पेक्ट टू दैट आपको क्या सेफ्टी मेजर्स भी देखने चाहिए एक डॉक्टर को, और प्रेस्क्राइब करने से पहले किन चीज़ों को नोटिस में लेके आना चाहिए, और फिर मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करनी चाहिए. हर तरह के पेशेंट को एक तरह की मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, ठीक है बेटा? क्योंकि इंडिविजुअली हम हर पेशेंट को असेस करते हैं, हर पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स, हर पेशेंट के कॉजेस डिफरेंट हैं, हर पेशेंट का लाइफ स्टाइल, फैमिली हिस्ट्री, सिस्टेमिक हिस्ट्री, सब, क्योंकि बेटा हर पेशेंट की हिस्ट्री डिफरेंट है, ठीक है? एक डिजीज के एक हो जाने से आप सेम मैनेजमेंट प्लान या सेम ट्रीटमेंट प्लान नहीं दे देते सब पेशेंट्स को. आप उनके जो उनकी कंप्लीट हिस्ट्री है, जिसमें उनका सिस्टेमिक रिव्यू भी आता है, जिसमें उनकी पास्ट हिस्ट्री भी आती है, फैमिली हिस्ट्री भी आती है, फिर उनका लाइफ स्टाइल भी आता है, और बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं कि उनको कोई कोमॉर्बिडिटीज तो नहीं है, कोई और डिजीज तो नहीं है साथ इस डिजीज के, तो बेटा ये सब कुछ देखना पड़ता है, और फिर उस रिस्पेक्टिव हर इंडिविजुअल पेशेंट की जो ट्रीटमेंट प्लान है, जो मेडिकेशन आप प्रेस्क्राइब करते हैं, वो वेरी करती है ऑब्वियसली, ठीक है बेटा? यस सरोज, यू वांट टू से एनीथिंग? मैम एक्चुअली मेरा नाम वाइवा हो रहा है, तो इस वजह से मैं क्लास तब पहले स्टार्ट में अटेंड नहीं किया, भी क्या मैं लीव कर सकता हूँ? ओके बेटा, थैंक यू. ओके सो व्हाट इज द रेशनली ऑफ दिस लेक्चर बेटा? मेडिकेशन यूज हैज बिकम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इन रीसेंट टाइम्स. तो ऑब्वियसली जब एक पेशेंट आपके पास आता है किसी डिजीज के साथ आता है, तो आप उसके ट्रीटमेंट प्लान में सबसे पहले मेडिकेशंस और मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाती हैं, ड्रग्स की तरफ जाती हैं, उसके बाद आप जो फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट है या लाइफ स्टाइल और डाइट्री ट्रीटमेंट है उसकी तरफ जाते हैं. सो मेडिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर ट्रीटमेंट प्लान. मेडिकेशन एरर इज अ मेजर कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल पेशेंट. हाँ बेटा, मेडिकेशन के रिस्पेक्टिव जो एरर आता है, आइदर इंटेंशनली है या अनइंटेंशनली है, ठीक है? ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो एडवर्स इवेंट्स और कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाते हैं. एज फ्यूचर डॉक्टर्स, यू विल हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग मेडिकेशन यू सेफ. सो बेटा, बीइंग फ्यूचर डॉक्टर्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेडिकेशन जब आप प्रेस्क्राइब करेंगे किसी पेशेंट को, तो आप किन किन फैक्टर्स को देखेंगे, कौन असेसमेंट में आप कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, और फिर आप उसकी जो ट्रीटमेंट प्लान है या मेडिकेशन जो उसको प्रेस्क्राइब करनी है,
उसको आप डिसाइड करेंगे कि इस पेशेंट को आपने कौन सी मेडिसिन देंगे, ठीक है। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हियर इन दिस लेक्चर इज बेटर टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ मेडिकेशन सेफ्टी टू इंकरेज यू टू कंटिन्यू टू लर्न एंड प्रैक्टिस वेज टू इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ मेडिकेशन यूज, ताकि आप जो डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट प्लान आप पेशेंट को दे रहे हैं, वो सेफ हो पेशेंट के लिए। जो मेडिकेशन आप दे रहे हैं, ये नहीं हो कि आप जो मेडिकेशन उसको दे रहे हैं उससे उसको मजीद कोई मेडिकेशन या साइड इफेक्ट डेवलप हो गए हैं और वो इम्प्रूव करने की बजाय उसको मजीद कोई कोमॉर्बिडिटीज डेवलप हो गई हैं, ठीक है बेटा। सो आपने क्या नॉलेज रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको पता हो, आपको स्केल ऑफ मेडिकेशन एरर पता हो कि आप अगर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रही हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उस रेंज में उस स्केल में कौन से फैक्टर्स आते हैं जिनको आपने कंसीडर करना है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन पेशेंट यूजिंग मेडिकेशन, आप पेशेंट का प्रॉपर, जब आपने किसी पेशेंट को मेडिकेशन दी है या आप ट्रीटमेंट प्लान दिया है पेशेंट को, प्रॉपरली उसका फीडबैक है, उसको मॉनिटर करें कि आइदर जो मेडिसिन आपने उसको प्रेस्क्राइब की हैं उससे उसकी इम्प्रूवमेंट हो रही है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं पेशेंट डिवेलप कर रहा, सो प्रॉपरली आपने उसको मोनिटर भी करना है, ओके। आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू मेडिकेशन एरर, अगर पेशेंट को आपने जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब की हैं और आप जब मोनिटर कर रहे हैं तो आपने देखा है कि उसकी वजह से पेशेंट कोई एडवर्स इवेंट्स या एडवर्स रिएक्शन डेवलप कर रहे, कोई मेडिकेशन एरर आ रहा है पेशेंट को, ठीक है, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग और इस तरह के, नॉर्मली टेकीकार्डिया और इस तरह के हम लोग जो हैं वो एडवर्स इवेंट्स या मेडिकेशन एरर्स देखते हैं पेशेंट्स में, तो आपने आइडेंटिफाई करना है आइदर पीछे फैक्टर क्या है जिसकी वजह से पेशेंट को ये मेडिकेशन एरर आया। ऑब्वियसली बेटा अगर एक मेडिसिन आपने दो तीन पेशेंट्स को दी है तो ऑब्वियसली सब पेशेंट्स को ये मेडिकेशन एरर तो नहीं आएगा ना, तो कुछ पेशेंट्स में अगर ये कॉम्प्लिकेशन या एडवर्स रिएक्शन आ रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू दैट मेडिकेशन, अगर वो मेडिसिन ले रहे हैं और उसके रिस्पॉन्स में वो कोई एडवर्स रिएक्शन शो कर रहे हैं, जैसे एलर्जीज होती हैं मोस्टली पेशेंट्स को, मोस्टली पेशेंट्स का स्टमक अपसेट हो जाता है, नोजिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग, टेकीकार्डिया, हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है, हाइपोटेंशन में चले जाते हैं कुछ पेशेंट्स, तो हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कि कौन सी मेडिकेशन ऐसी हैं, कौन सी मेडिसिन ऐसी हैं जिनके रिस्पॉन्स में पेशेंट इस तरह का रिएक्शन दे सकता है। तो बेटा ऑब्वियसली हर तरह का पेशेंट जो है वो इस तरह का रिएक्शन नहीं देगा, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो ये इस तरह के जो रिएक्शन है वो वहाँ पे सप्रेस हो जाते हैं उस तरह के पेशेंट्स में, ठीक है। लेकिन जिन पेशेंट्स की बेटा इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, इम्यूनिटी पहले से ही कॉम्प्रोमाइज है, या हाइपर सेंसिटिव पेशेंट्स हैं, ठीक है, दे आर एलर्जिक टू सम मेडिसिन, ठीक है, तो उनमें जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, ज़्यादा हाइप के साथ आएगा। सो बेटा यू आर गोइंग टू लर्न हेयर हाउ टू मेक मेडिकेशन यूज सेफर, अंडरस्टैंड डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेन यूजिंग मेडिकेशन, डॉक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब वो प्रेस्क्राइब कर रहे हैं मेडिसिन या पेशेंट जब मेडिसिन ले रहा है तो उसने कैसे मोनिटर करना है एडवर्स रिएक्शन। सो दीज आर द पॉइंट्स बेटा जिनको आपने कंसिडर करना है व्हाइल प्रेस्क्राइबिंग अ मेडिसिन टू अ पेशेंट, ओके। एक्नॉलेज दैट मेडिकेशन सेफ्टी इज अ बिग टॉपिक, ओके। इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एरिया विल अफेक्ट हाउ यू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। सो बेटा व्हाइल प्रेस्क्राइबिंग द मेडिसिंस टू अ पेशेंट यू हैव टू कंसिडर दीज पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज यूज जेनरिक नेम्स वेयर अप्रोप्रिएट। You know what does generic names mean? बेटा हमेशा जब medicines आपने prescribe करनी है make sure कि आप generic name से medication prescribe कर रही हैं patient को, ठीक है। आप जो trading names होते हैं, जैसे हर company ने अपना नेम, अपना अलहदा local name बना दिया होता है medicine का, तो आपने उन local names को या उन trade names को या brand names को आपने follow नहीं करना, आपने जो उस medicine का generic name है patient को वो prescribe करना, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज टेलर योर प्रेस्क्राइबिंग फॉर इंडिविजुअल पेशेंट्स। व्हाट डज इट मीन टेलर मीन्स बेटा कि आपने अपनी प्रेस्क्रिप्शन को जो आप पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं मेडिसिन उसको टेलर करना है, टेलर मीन्स ब्रीफ करना है, उसको चेक करना है, मेक श्योर करना है कि आप उन पॉइंट्स को निकाल दें जो उस पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और उन पॉइंट्स को, उन मेडिसिन को एड ऑन करें जो उस इंडिविजुअल पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल बेटा दो तरह के पेशेंट आए हैं आपके पास, बोथ आर कमिंग टू यू विद फ्रोजन शोल्डर, ठीक है, या किसी और डिजीज के साथ आए हैं, इंफ्लेमेटरी डिजीज के साथ आए हैं आपको, ठीक है, आपने दोनों को जो है वो एनसेड्स रिकमेंड करती हैं या जो मेडिसिन आपने दोनों पेशेंट्स को एक ही तरह की मेडिसिन रिकमेंड करती है, ठीक है, आपने ये नहीं देखा कि उस इंडिविजुअल पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, ठीक है, उसकी सिस्टेमिक हिस्ट्री, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री डिफर करेगी फ्रॉम अनदर पेशेंट, ठीक है। तो आपने हर पेशेंट को एक तरह का प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे देना फॉर इंफ्लेमेटरी डिजीजेस, आपने ये मेक श्योर करना है कि इस पेशेंट की जो कंप्लीट हिस्ट्री है, जो बाकी
अदर फैक्टर्स हैं हिस्ट्री में, उनको आपने कंसीडर करना है और फिर उसकी प्रिस्क्रिप्शन को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू दैट इंडिविजुअल पेशेंट. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज यू आर गोइंग टू यूज जेनरिक नेम्स. आपने ट्रेड नेम्स और आपने ब्रांड नेम्स यूज नहीं करने, यू आर गोइंग टू यूज जेनरिक नेम्स ऑफ मेडिसिन यू आर प्रिस्क्राइबिंग टू द पेशेंट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा आपने अपनी प्रिस्क्रिप्शन को टेलर करना है, ब्रीफ करना है और प्रिस्क्राइब करना है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड ऑफ द पेशेंट. ओके, थर्ड पॉइंट इज लर्न एंड प्रैक्टिस थ्रू मेडिकेशन हिस्ट्री टेकिंग. बेटा हिस्ट्री टेकिंग में मेडिकेशन हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप आप लोगों ने हिस्ट्री टेकिंग पढ़ी होगी. हिस्ट्री टेकिंग बेटा आपने देखी है मेडिसिन में या SCP में, आपने हिस्ट्री टेकिंग वाला टॉपिक पढ़ा है? यस और नो? बेटा मैम रिपीट कीजिएगा क्या बोला आपने. बेटा आप लोग लेक्चर में अटेंटिव होंगे तो आपको समझ आएगी. ठीक है मैम, सॉरी अभी हम वाइवा दे के आ रहे थे तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपका लेक्चर ज्वाइन किया है, सॉरी. हिस्ट्री टेकिंग बेटा पढ़ा है आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा? जी मैम पढ़ा हुआ. हिस्ट्री में क्या क्या पेशेंट से पूछते हैं बेटा, व्हाट आर द पॉइंट्स यू आर गोइंग टू कंसीडर इन हिस्ट्री? मैम हिस्ट्री में, मैम हिस्ट्री टेकिंग में हम उससे पूछते हैं कि आया उसको कोई पहले डिजीज तो नहीं थी, अगर डिजीज थी तो कितने टाइम पहले थी, और हिस्ट्री में उससे पूछते हैं कि उसको कोई डायबिटीज वगैरह या बीपी हाइपरटेंशन इस तरह की कोई डिजीजेस तो नहीं है. ओके, सो बेटा मैं आपको हिस्ट्री टेकिंग की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, बट आई एम श्योर कि आपने पहले पढ़ी होगी. हिस्ट्री टेकिंग में बेटा सबसे पहले पेशेंट से ये पूछते हैं करंट कंप्लेन क्या है पेशेंट की, प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या है पेशेंट की. जब आप पेशेंट के पास जाते हैं तो पेशेंट से पहले यू आर गोइंग टू आस्क व्हाट इज द प्रेजेंटिंग कंप्लेन ऑफ द पेशेंट फॉर विच पेशेंट इज कमिंग टू यू. पेशेंट अभी जिस कंप्लेन के लिए आपके पास आया है पहले उससे वो करंट कंप्लेन पूछनी है. ओके, ये आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन होगी. फिर आप पेशेंट से ये पूछेंगे कि आपकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या है, कि जिस कंप्लेन के साथ पेशेंट ने प्रेजेंट किया है, अगर पेशेंट ने वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट किया है या पेशेंट ने नोजिया के साथ प्रेजेंट किया है, तो आपने पेशेंट से अब ये पूछना है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कब स्टार्ट हुआ, कितनी इंटेंसिटी का था, कितनी ड्यूरेशन के लिए हुआ. ठीक है, ये सारे करेक्टर्स आपने पूछने उस कंप्लेन से रिलेटेड. ओके, सो ये आपकी आ जाएगी प्रेजेंटिंग कंप्लेन की हिस्ट्री. फिर आपने उससे बेटा ये पूछना है कि उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, कि पहले उसको कभी ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हुई. ठीक है, और पास्ट में उसको कोई और कोमॉर्बिडिटी, ये जो आप कह रहे हैं हाइपरटेंशन डायबिटीज, बेटा इनके लिए आप टर्म यूज करते हैं कोमॉर्बिडिटीज, कि पेशेंट आपके पास एक बीमारी के साथ आया है. ठीक है, वो उसकी करंट कंप्लेंट है, वो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है. अब आपने उससे ये पूछना है कि उसको कोई और कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है, कोई और बीमारी तो नहीं है साथ उसको. कोमॉर्बिडिटीज में बेटा आपकी डिजीजेस आ जाती हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज, रीनल डिजीज है कोई पेशेंट को, ठीक है, किडनी डिजीज है कोई पेशेंट को, हिपेटिक डिजीज जिसको आप कहते हैं. तो बेटा आपने ये पूछना है कि पेशेंट को ये कोमॉर्बिडिटीज तो नहीं है. ज्यादातर पेशेंट जो आपके पास आते हैं उनको डायबिटीज और हाइपरटेंशन होती है. तो जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं हिस्ट्री या लिख रहे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं, तो आप साइड पे लिखते हैं डायबिटीज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, हाइपरटेंशन पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, ये आपकी हो जाती है कोमॉर्बिडिटीज जो आपकी पास्ट हिस्ट्री में आती है. फिर बच्चे आपने उससे लेनी होती है सिस्टेमिक हिस्ट्री. You people are getting me? Yes, ma'am. Okay. So, systemic history में बेटा आप उससे ये पूछने कि उसको किस उसका जो human body, human systems है, उससे ये पूछने कि आपको किसी और system की कोई disease तो नहीं है? Either आपको cardiac system की कोई disease, CVS की कोई disease तो नहीं है, CNS की कोई disease तो नहीं है, renal कोई disease तो नहीं है patient को. ठीक है, so आपने systemic history लेनी होती है patient को. क्योंकि बेटा जब आप पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं पेशेंट को, तो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करने का बहुत डायरेक्ट रिलेशन है आपकी सिस्टेमिक हिस्ट्री के साथ. पेशेंट को अगर कोई रीनल, कार्डिक, CNS या हिपेटिक कोई ऐसी डिजीज है, तो बेटा उसकी मेडिकेशंस को आपने चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू दैट प्रॉब्लम. ओके, सो हिस्ट्री टेकिंग में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्रिस्क्रिप्शन, विद रिस्पेक्ट टू प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नाम देते हैं सिस्टेमिक हिस्ट्री. ठीक है, उसके अलावा बेटा आप उससे फैमिली हिस्ट्री लेंगे. ठीक है, कि उसकी अगर वो कार्डिक डिजीज के साथ आपके पास आया है या जॉइंट पेन के साथ, आर्थराइटिस के साथ आपके पास आया है, तो आपने मेक श्योर करना है कि पहले उसकी फैमिली में ये हिस्ट्री तो नहीं है, तो आपने फैमिली हिस्ट्री लेनी है. ठीक है, फिर उसकी सोशल हिस्ट्री लेती है कि उसका लाइफस्टाइल क्या है. ठीक है, वो स्मोकिंग तो नहीं करता,
उसकी लाइफ स्टाइल हैबिट्स में स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर तो नहीं है उसकी डिजीज का, फिर आप उसकी लेते हैं, आपने लाइफ स्टाइल हिस्ट्री ले ली, सोशल हिस्ट्री ले ली, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल थेरेपी, ठीक है। तो आप फिजिकल थेरेपी से रिलेटेड ऑक्यूपेशन आप उससे पूछेंगे कि आइदर अगर पेशेंट ज्वाइंट पेन के साथ या एसआई ज्वाइंट की पेन के साथ आया है या फ्रोजन शोल्डर की पेन के साथ आया है, तो उसकी हिस्ट्री में कोई ऐसी वर्क प्लेस पे तो नहीं वो काम करता या उसकी ऑक्यूपेशन ऐसी तो नहीं है जिससे उसकी पेन इंक्रीज हो रही है। इन द लास्ट पॉइंट इज बेटा सर्जिकल हिस्ट्री आप पेशेंट से लेते हैं। सर्जिकल हिस्ट्री में आपके पूछने के पहले आपने आपकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई, ठीक है, बिकॉज सर्जिकल हिस्ट्री के बाद पेशेंट मेडिकेशंस पे होते हैं, ठीक है, सर्जरी के बाद। तो अगर पेशेंट पहले से कोई मेडिसिन ले रहा है, ठीक है, जिसको आप कहते हैं मेडिकेशन हिस्ट्री के पेशेंट से पूछें कि आप पहले से कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे, ठीक है, और आप फर्दर उसको कोई मेडिसिन दे देते हैं, तो आपने मेक श्योर करना होता है कि मेडिसिन का जो इंटरेक्शन है जिसको आप क्या कहते हैं बेटा ड्रग इंटरेक्शन, तो ड्रग इंटरेक्शन को अवॉइड करने के लिए आपने मेक श्योर करना होता है कि पेशेंट पहले से कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा। ओके, इज दैट क्लियर टू यू बेटा? हिस्ट्री टेकिंग की समझ आई है आप लोगों को? जी मैम। सो बेटा हिस्ट्री टेकिंग के अकॉर्डिंगली आपने अब अपनी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करनी होती है पेशेंट को। ओके, सो थर्ड पॉइंट इज यू आर गोइंग टू टेक अ डिटेल्ड हिस्ट्री टेकिंग। ओके, नो विच मेडिकेशंस आर हाई रिस्क एंड टेक प्रिकॉशंस। आपको पता होना चाहिए कौन सी मेडिकेशंस ऐसी हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, और अगर पेशेंट ऐसी कोई मेडिकेशंस पहले से ले रहा है तो उसको उसकी प्रिकॉशंस बताने हैं। नो द मेडिकेशन यू प्रिस्क्राइब वेल। आपने वही मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी है जिसके बारे में आपको डिटेल में पता है, ठीक है, जिसके आपको ड्रग इंटरेक्शंस भी पता है, जिसके आपको साइड इफेक्ट्स भी पता है, जिसका आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पता है, जिसका आपको मोड ऑफ एक्शन भी आपको पता है कि किस तरह ये मेडिसिन पेशेंट ने लेनी है, ड्यूरेशन पता है, टाइम पता है, कम्प्लीटली आपको जिस मेडिसिन के बारे में पता है आपने वो ही मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा यूज मेमरी एड्स, ठीक है, पेशेंट को इस तरह प्रिस्क्राइब करें मेडिसिन, इस तरह उसको गाइड करें कि कुछ ना कुछ उसको मेमरी एड्स मिले, कुछ हेल्प मिले कि कैसे उसने अपनी मेडिसिन को लेना है टाइमली और कैसे उसने याद रखना है कि कौन सी मेडिसिन को उसने किस टाइम पे लेना है। ऑब्वियसली बेटा आपके पास हर एज ग्रुप के पेशेंट्स आते हैं, सो इफ ओल्ड एज पेशेंट इज कमिंग टू यू, यू आर गोइंग टू मेक श्योर कि आप उसको गाइड करें कि कौन सी मेडिसिन उसे किस टाइम पे लेनी है, किस ड्यूरेशन में लेनी है और कितने टाइम के लिए, कितने अरसे के लिए उसने मेडिसिन लेनी है। बहुत से पेशेंट्स आपके पास आ रहे होते हैं बेटा, आपने उन्हें 2 मंथ्स के लिए मेडिसिन ली है और वो 6-6 महीने तक वो मेडिसिन लेते रहते हैं, तो ऑब्वियसली उसके एडवर्स इवेंट्स आएंगे, ठीक है, उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं मेडिसिन की वो पेशेंट जो है वो फील करेगा और पेशेंट कंप्लेन के लेके आएगा आपके पास कि इस मेडिसिन के बाद ये कॉम्प्लिकेशंस मैंने फेस किए, ठीक है, तो वो पेशेंट ने क्यों किए हैं कि पेशेंट को अगर आपने जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए मेडिसिन दी है पेशेंट ने उससे ज्यादा टाइम के लिए वो मेडिसिन ले लिया या उससे कम टाइम के लिए वो मेडिसिन ले लिया। ओके, सो बेटा नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर गोइंग टू रिमेम्बर द 5 आवर्स व्हेन प्रिस्क्राइबिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द मेडिसिन। तो बेटा मेडिकेशन सेफ्टी में 5 आवर्स होते हैं जिनको आपने कंसीडर करना होता है। 5 आवर्स में बेटा फर्स्ट पॉइंट होता है राइट पेशेंट, ठीक है, कि जो आप पेशेंट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं आइदर आपने राइट पेशेंट को वो प्रिस्क्राइब किए। सेकेंड पॉइंट इज राइट ड्रग, कि इस पेशेंट को जो आप मेडिसिन दे रही हैं आइदर वो उसके लिए सूटेबल है, ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज राइट पेशेंट, सेकेंड आवर इज राइट ड्रग, थर्ड आवर इज बेटा राइट डोज, कि कितनी डोज आप पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं वो मेडिसिन, ठीक है, सो डोज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आर इज राइट रूट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट ड्रग, वो आपने सही बताया है पेशेंट को या नहीं बताया। पेशेंट को सबकुटेनियसली ड्रग दी थी देनी थी और आपने आईवी इंट्रावीनियसली पेशेंट को वो ड्रग दे दी है, ठीक है, तो उसके साइड इफेक्ट आएंगे पेशेंट को ऑब्वियसली, तो आपको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग भी पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट आर लास्ट आर इज बेटा राइट टाइम, सो राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट ऑफ ड्रग इन राइट टाइम, ये बेटा 5 आवर्स हैं जो आपने कंसीडर करने होते हैं व्हेन प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन। कम्युनिकेट अर्ली, यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट क्लियरली टू द पेशेंट। आपको पेशेंट के साथ व्हेन प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन आपको कम्युनिकेट करना है पेशेंट के साथ इन डिटेल अबाउट द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, उसकी सारी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कॉम्प्लिकेशंस, एडवर्स इवेंट्स, साइड इफेक्ट्स और उसकी सारी डिटेल, ठीक है, वो आपको पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करनी चाहिए। पेशेंट सेफ्टी में कम्युनिकेशन गैप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से पेशेंट लीड करता है टुवर्ड्स कॉम्प्लिकेशंस।
नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलप चेकिंग हैबिट्स. आपने पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी है, ठीक है, उसके बाद आपने मॉनिटर नहीं किया कि पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे उस मेडिसिन के, तो आपने प्रॉपर पेशेंट को मॉनिटर करना है कि इस मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे पेशेंट को. अगर कोई साइड इफेक्ट्स आते हैं तो ऑब्वियसली आपने फॉरन उसका ऑल्टरनेटिव मेडिसिन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को. इनकरेज पेशेंट्स टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. पेशेंट के साथ बेटा आप कम्युनिकेट करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे आपके साथ, ठीक है. और जितना वो एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे प्रोसेस में उतने उनके जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स ट्रीटमेंट प्लान वो ज़्यादा होगा, ठीक है, उतने रिजल्ट्स अच्छे होंगे. इन लास्ट पॉइंट हियर इज बेटा रिपोर्ट एंड लर्न फ्रॉम मेडिकेशन एरर्स. अगर कोई एडवर्स रिएक्शन, कोई मेडिकेशन एरर आपने देखा है, ठीक है, तो वो फॉरन रिपोर्ट करें, ठीक है, और रिपोर्ट करके उसे आप लर्न करें फॉर द नेक्स्ट टाइम कि आपने दोबारा ये मेडिसिन इस तरह नहीं देनी, ठीक है, या इस तरह के पेशेंट को आपने ये मेडिसिन दोबारा नहीं दी. ओके बेटा, दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू? यस मैम. So now we are going to discuss some definitions here related to medication safety, beta. Although आपने अगर pharmacology पढ़ी है तो आपने ये terms पढ़ी होंगी उसमें, ठीक है. Side effect, beta. What does side effect means? It is non-effect other than that primarily intended related to pharmacological properties of a medication. Beta, जो medication आप prescribe कर रहे हैं उसकी pharmacological properties में आप देखते हैं, जहाँ आप mechanism of action drug का देखते हैं, जहाँ आप route of administration देखते हैं drug का, वहीं आप ये भी देखते हैं कि इस ड्रग के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है. सो ओपिएट एनाल्जेसिक्स, बेटा आपको कोई इंफॉर्मेशन है इनसे रिलेटेड? कैन यू नेम एनी ओपिएट दैट इज एनाल्जेसिक? एनाल्जेसिया होता क्या है बेटा? व्हाट डज एनाल्जेसिया मींस? फार्माकोलॉजी पढ़ ली है बेटा? फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं आपने मेडिसिंस की? यस मैम, फार्मा 1 पढ़ी थी. ठीक है, ओपिएट्स नहीं पढ़े बेटा? एनाल्जेसिक्स नहीं पढ़े? ओके मैम, पढ़े एनाल्जेसिक तो वो नहीं होते, पेन रिलीफ जो होते हैं, पेन किलर. वेरी गुड बेटा, यही पूछूं कि एनाल्जेसिया क्या होता है, एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं. एनाल्जेसिया बेटा टर्म यूज की जाती है पेन रिलीफ के लिए. एनाल्जेसिक्स वो ड्रग्स हैं जो आप पेन रिलीफ के लिए यूज करते हैं, ठीक है. और उसमें आप कौन से ग्रुप ऑफ मेडिसिन यूज करते हैं? ओपिएट्स यूज करते हैं, ठीक है. सो ओपिएट्स जो है बेटा, अगर वो आप उसकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो आपको पता चलेगा कि उसके साइड इफेक्ट्स में नोजिया वॉमिटिंग आते हैं, ठीक है. तो बेटा ओपिएट एनाल्जेसिक्स देने से कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि जब हमने ये मेडिसिन ली तो हमने नोजिया फील किया. सो व्हाट इज नोजिया हियर? नोजिया इज अ साइड इफेक्ट ऑफ दैट मेडिकेशन. ओके क्लियर? यस मैम. बट एडवर्स रिएक्शन बेटा क्या होता है? एडवर्स रिएक्शन होता है कि अगर एक पेशेंट हाइपर सेंसिटिव है, ठीक है, ऑल दो आपने करेक्ट मेडिसिन दी विद करेक्ट फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, जो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज थी आपने उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को वो मेडिसिन दी करेक्ट डोज के साथ, करेक्ट पेशेंट को करेक्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए, करेक्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपने बताया, बट पेशेंट जो है वो हाइपर सेंसिटिव था तो पेशेंट ने अनएक्सपेक्टेड एलर्जिक रिएक्शन शो किया इन रिस्पॉन्स टू दैट मेडिकेशन. ओके सो बेटा दैट अनएक्सपेक्टेड एलर्जिक रिएक्शन दैट इज एडवर्स रिएक्शन, उसको आप क्या कहेंगे? एडवर्स रिएक्शन कहेंगे, उसको आप साइड इफेक्ट नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि उस ड्रग की उस मेडिसिन की फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में वो जो एलर्जिक रिएक्शन था वो नहीं था, ठीक है. अगर उसकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में एक एलर्जिक रिएक्शन होता रिस्पॉन्स में तो बेटा वो साइड इफेक्ट होता, ठीक है. पेशेंट जो है वो हाइपर सेंसिटिव था टू दैट ड्रग तो पेशेंट ने अनएक्सपेक्टेड एलर्जिक रिएक्शन या रिस्पॉन्स शो किया, तो बेटा इस तरह की रिएक्शन को आप कहते हैं एडवर्स रिएक्शन. नेक्स्ट टर्म हियर इज बेटा एरर. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड वायलेशन. एनीबॉडी कैन टेल मी? मैम, एरर तो वो है कि जो चीज जो है वो हमसे अनएक्सपेक्टेड हो जाए, लेकिन वायोलेशन ये है कि जो हम लोग जानबूझ के अगर हमने कोई रूल्स को खिलाफवर्जी की है या कुछ इस तरह किया तो उसको कहते हैं कि वो वायोलेशन है. ओके वेरी गुड. ओके बेटा, देन एडवर्स इवेंट. एडवर्स इवेंट बेटा एडवर्स रिएक्शन
ठीक है, जो अनएक्सपेक्टेड एलर्जिक रिएक्शन की हमने बात की, या कोई भी रिस्पॉन्स ऐसा जो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में नहीं था उस मेडिसिन के, लेकिन पेशेंट ने शो किया क्योंकि पेशेंट हाइपर सेंसिटिव था, उसको आपने एडवर्स रिएक्शन कह दिया। अगर ये बेटा प्रोलॉन्ग रहते हैं और कंटिन्यू रहते हैं, अगर आप मॉनिटरिंग नहीं कर रहे, ठीक है, अगर आपने करेक्ट नहीं किया अपने प्लान को, तो बेटा ये एडवर्स रिएक्शन लीड करता है टूवर्ड्स एडवर्स इवेंट, यू नो एडवर्स इवेंट इज हार्मफुल टू अ पेशेंट। ओके, is it clear to you beta? Are these definitions clear to you? Yes beta. So the beta next term here is adverse drug event. ओके बेटा, कोई भी ड्रग अगर आप देते हैं पेशेंट को, कोई भी मेडिकेशन आप प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, ठीक है, तो पेशेंट उसके रिस्पांस में अगर कोई रिएक्शन देता है तो उसको हम एडवर्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, और एडवर्स इवेंट कहते हैं। अब बेटा जो एडवर्स इवेंट पेशेंट ने शो किया है वो आइदर प्रिवेंटेबल भी हो सकता है और नॉन प्रिवेंटेबल भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एन एरर। अगर आपने जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या जो आपने अपना ट्रीटमेंट प्लान था वो करेक्ट दिया पेशेंट को, लेकिन अनइंटेंशनली पेशेंट ने कोई एडवर्स रिएक्शन शो किया है बेटा, तो वो आप प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसके अगर आप मॉनिटर कर रहे हैं पेशेंट को तो आप फौरन उसका ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करेंगे, उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, और उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन होते हैं बेटा, आप उनकी फिर रिस्पॉन्स उनके रिस्पॉन्स में वो मेडिकेशन पेशेंट को चेंज कर देते हैं। इसी तरह पेशेंट को ड्रग्स ऐसी होती है जब पेशेंट को देते हैं, स्पेशली आईवी जब हम देते हैं, इंट्रावीनसली देते हैं, तो पेशेंट टैकीकार्डिया शो करते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है, तो बेटा ये भी ऐसा ड्रग इवेंट है या ऐसा एडवर्स रिएक्शन है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, इट इज प्रिवेंटेबल। तो बेटा कुछ रिएक्शन प्रिवेंटेबल होते हैं, कुछ नॉन प्रिवेंटेबल होते हैं। अब नॉन प्रिवेंटेबल बेटा एडवर्स रिएक्शन वो होंगे, या तो आपने उनको मॉनिटर नहीं किया टाइमली और वो प्रोलॉन्ग होते रहे हैं, तो बेटा वो आपकी आप उनको प्रिवेंट नहीं कर सकते मसीह, ठीक है, और वो आपकी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लीड करेंगे। तो बेटा जो एडवर्स ड्रग इवेंट है दैट कैन आइदर बी प्रिवेंटेबल और नॉन प्रिवेंटेबल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अ मेडिकेशन एरर में रिजल्ट है। अगर एक बेटा मेडिकेशन एरर आया है पेशेंट में तो उसकी वजह से एडवर्स इवेंट हो सकता है। नियर मिस, बेटा आपने नियर मिस पढ़ा था, याद है आपको व्हाट डज नियर मिस मींस? एनी स्टूडेंट, व्हाट डज नियर मिस मींस? यू हैव रेड दिस टर्म इन द प्रीवियस लेक्चर्स। पढ़ा था लेकिन अब याद नहीं आ रहा, पढ़ा था ये बेटा। नियर मिस मींस इफ अ पेशेंट इज नियरली हार्म, कि पेशेंट को कोई आपने ऐसी ट्रीटमेंट प्लान या कोई ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से पेशेंट को पेशेंट के लिए हार्मफुल वो हो सकता था, लेकिन पेशेंट उस हार्म से या उस कॉम्प्लिकेशन से बच गया, ठीक है, ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन, ज्यादा सीरियसली हार्मफुल नहीं हुआ वो पेशेंट के लिए, तो बेटा इसको कहते हैं नियर मिस, कि पेशेंट जो है पेशेंट इज नियरली हार्म्ड, ठीक है, कम्प्लीटली हार्मफुल नहीं, पेशेंट कम्प्लीटली हार्म नहीं हुआ लेकिन पेशेंट उससे पहले ही बच गया, तो इसको कहते हैं नियर मिस इवेंट। ओके, सो एक मेडिकेशन एरर या तो एडवर्स इवेंट की तरफ जा सकता है या नियर मिस इवेंट बन सकता है कि पेशेंट पहले ही बच गया उस इवेंट से, ठीक है, नीदर हार्म नॉर पोटेंशियल फॉर हार्म। या ऐसा भी मेडिकेशन एरर हो सकता है बेटा जैसे बहुत माइनर से होते हैं, पेशेंट को वॉमिटिंग आई, ठीक है, ठीक हो गया पेशेंट, एक वॉमिटर्स आने के बाद पेशेंट ठीक हो गया, ठीक है, या पेशेंट स्वेटिंग की तरफ गया और जो है वो कुछ टाइम के लिए पेशेंट को स्वेटिंग हुई और पेशेंट भी नॉर्मल हो गया, ठीक है। सो ऐसे भी मेडिकेशन एरर्स हो सकते हैं जिससे पेशेंट को कोई हार्म या कोई पोटेंशियल फॉर हार्म नहीं होगा। मेडिकेशन एरर्स आर प्रिवेंटेबल, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बेटा कि मेडिकेशन एरर्स जो है वो प्रिवेंटेबल भी हो सकते हैं और नॉन प्रिवेंटेबल भी हो सकते हैं। बट द थिंग इम्पॉर्टेंट हेयर इज कि डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है या नर्सिंग स्टाफ की जो वहाँ पे काम कर रहे हैं ऑन ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी ये है कि जब वो फर्स्ट टाइम पेशेंट को टेस्ट ट्रायल दें या टेस्ट डोज दें तो आप मॉनिटर करें कि पेशेंट क्या एडवर्स रिएक्शन शो कर रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू देयर ड्रग। और अगर पेशेंट जो है वो कोई एडवर्स रिएक्शन शो नहीं कर रहा फिर पेशेंट को ऐसी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करें। ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स इन यूजिंग मेडिकेशन बेटा? सिर्फ प्रिस्क्राइब करना आपकी ड्यूटी नहीं है, आपने प्रिस्क्राइब की ड्रग या मेडिकेशन पेशेंट को, उसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता होना चाहिए, चेक होना चाहिए कि प्रॉपर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है उस ड्रग का, किस तरह पेशेंट ने उस ड्रग को लेना है, कितने टाइम के लिए लेना है, कितनी ड्यूरेशन के लिए लेना है और बेटा कितने अरसे के लिए लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आपकी ड्यूटी खत्म नहीं होती, नेक्स्ट स्टेप दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज बेटा
मॉनिटरिंग कि आप मॉनिटर करें कि जो ड्रग आपने प्रिस्क्राइब की पेशेंट को, आइदर उससे पेशेंट की कंडीशन बेहतर हो रही है या वर्स हो रही है, ठीक है, या पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट या एडवर्स रिएक्शन तो नहीं आ रहा है इन रिस्पॉन्स टू दैट मेडिकेशन. सो दीज आर द स्टेप्स बेटा यू आर गोइंग टू फॉलो व्हाइल प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन टू अ पेशेंट. सो प्रिस्क्राइबिंग इन्वॉल्व्स ये रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने. आपको पता हो बेटा कि इस पेशेंट के लिए पूरी तरह अगर आपने उसकी हिस्ट्री ली होगी ना तो आपको पता होगा कि इस पेशेंट को बाकी और क्या प्रॉब्लम्स है, अदर प्रॉब्लम्स क्या हैं पेशेंट की, ठीक है. तो आप उसके रिस्पेक्टिव उसको पेशेंट को मेडिकेशन जो है वो रिकमेंड करेंगे जो उसकी बाकी डिजीजेस को भी, बाकी जो कोमॉर्बिडिटीज है उसको भी एड्रेस कर रही हो, ठीक है. ऐसी अगर पेशेंट हाइपरटेंशन है पेशेंट को, ठीक है, लेकिन पेशेंट आपके पास एक प्रॉब्लम कार्डिक प्रॉब्लम के साथ आ गया है बेटा, तो अगर उसको वो हाइपरटेंसिव भी है तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने उसको जो मेडिसिंस देनी है इन रिस्पांस टू दैट कार्डिक प्रॉब्लम, तो वो उसके साइड इफेक्ट में कोई किसी भी मेडिसिन का ऐसा साइड इफेक्ट ना हो जिससे उसकी हाइपरटेंशन जो है वो एग्रावेट हो, ठीक है. आपने मेक श्योर करना है कि आपने सिर्फ उसकी कार्डिक प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करना, बिकॉज यू पीपल नो कि उसकी कार्डिक प्रॉब्लम के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, हाइपरटेंशन था, तो आपने उस हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल कर, ठीक है. या पेशेंट, ज्यादातर पेशेंट्स आपके पास आते हैं इनको कोई प्रॉब्लम होती है, साथ वो कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हैं, एलर्जिक रिएक्शन फॉरन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है. तो आपने मेक श्योर करना है कि आप अपनी मेडिकेशन में उसको भी एड्रेस करें, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा सिलेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन. आपको पता होना चाहिए कि इस मेडिसिन के लिए इस पेशेंट को कौन सा प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन रूट देना है. आइदर उसे सबकुटेनियसली देनी है, आइदर ओरली देनी है, आइदर इंट्रावीनियसली देनी है, ठीक है. उसके बाद आपको डोज बताओ कितनी डोज देनी है, टाइम का आपने डिसाइड किया हो कि कितने टाइम के लिए देनी है और कितने ड्यूरेशन के लिए आपने इसको देनी है, ठीक है. सिस्टम पूरा आपको मैकेनिज्म पता हो बेटा ड्रग का, ओके, देन यू आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब दैट मेडिसिन टू अ पेशेंट. थर्ड पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज बेटा कम्युनिकेशन गैप. आपने मेक श्योर करना है कि आपने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी है बस वो पेशेंट को पकड़ा नहीं देनी, आपने उसको वर्बली भी गाइड करना है कि ये मेडिसिन जो है वो आपने इतने टाइम के लिए, इतनी सुबह आपने लेनी है ये मेडिसिन, ये आपने शाम को लेनी है. अगर आपने बीडी लिखी है कि दिन में दो दफा लेनी है पेशेंट ने मेडिसिन, तो भी उसको बताना है. मोस्टली आप डॉक्टर्स क्या करते हैं, प्रेस्क्राइब कर देते हैं और प्रेस्क्रिप्शन जो है वो पेशेंट को पकड़ा देते हैं, ठीक है. और बेचारे पेशेंट फार्मेसी से समझ रहे होते हैं कि इस मेडिसिन को कितने टाइम के लिए और कब कब लेना है, ठीक है. सो कम्युनिकेशन गैप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. आपने अपने कम्युनिकेशन गैप को कम से कम करना है, कम्युनिकेशन गैप बिटवीन पेशेंट एंड फिजिशियन और पेशेंट या पेशेंट की फैमिलीज के साथ, केयर टेकर जो भी उनके साथ है उसके साथ आपका कम्युनिकेशन गैप कम से कम होना चाहिए, ओके. सो लास्ट पॉइंट इज बेटा डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए उस पेशेंट का, प्रॉपर हिस्ट्री हो उस पेशेंट की, क्या फिर आपने ट्रीटमेंट प्लान पेशेंट को दिया वो भी आपके पास हो, क्योंकि बेटा जब नेक्स्ट टाइम अगर पेशेंट आपके पास आता है वही पेशेंट उसी डिजीज के साथ या किसी और डिजीज के साथ, तो आपको पता हो कि पेशेंट की पहले क्या कंडीशन थी और अब वो किस कंडीशन के साथ आपके पास आए, ठीक है. तो ऑब्वियसली आप उसे फ्रॉम ए टू जी दोबारा तो सारी हिस्ट्री नहीं पूछेंगे ना. अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा, आपने डॉक्यूमेंटेशन की होगी, तो आपको पता होगा कि पहले ये किस कंडीशन में मेरे पास आया था और अब इसकी कंडीशन क्या है. सो इज इट क्लियर टू यू बेटा? यस मैम. इज एवरीथिंग क्लियर? यस मैम. ओके, हाउ कैन प्रिस्क्राइबिंग गो रॉन्ग, ठीक है बेटा. अब हम देखते हैं कैसे एडवर्स इवेंट्स मेडिकेशन सेफ्टी में, कैसे कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपकी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो उसके एडवर्स रिएक्शन में पेशेंट जो है वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ, एडवर्स इवेंट्स की तरफ जाता है. बेटा अगर आपको किसी ड्रग के बारे में कंप्लीट एडिक्वेट नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता कि इस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है, इस ड्रग की इंडिकेशंस क्या हैं, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है. कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बहुत जरूरी होती है बेटा. मोस्टली पेशेंट्स जो हैं, पेशेंट्स को आप रिकमेंड कर देते हैं मेडिसिन, आप ये नहीं देखते कि अगर उसको रीनल या हेपेटिक या कोई और इश्यू है तो आप उसको ये मेडिसिन दे सकते हैं या नहीं दे सकते, क्योंकि आपको उस ड्रग की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं पता. तो इस तरह आप गलत ड्रग जो है वो एक पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है. ऑल्दो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होगा, लेकिन उस ड्रग के कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे, आपने उनको बॉदर नहीं किया क्योंकि आपको पता ही नहीं थे, ठीक है. और आपने उस कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में जिसमें हिपेटिक या रीनल इनसफिशिएंसी थी, आपने उस बेचारे को वो मेडिसिन हाई डोज की दे दी है, ठीक है.
और उसका जबकि जो हेपेटिक और रीनल सफिशेंसी उसकी एडिक्वेट नहीं थी, ठीक है, और उस तरह की केसेस में इस तरह की मेडिसिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, तो बेटा आप ये फिर पेशेंट को बेहतर करने की बजाय उसकी कंडीशन को क्या कर रहे हैं, वर्स कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा आप ये नहीं देखते कि इंडिविजुअल फैक्टर्स क्या है पेशेंट की, इंडिविजुअल हिस्ट्री जो उसकी लेनी है वो नहीं देखते आप, वो हर तरह का जो पेशेंट आया है कार्डिक डिजीज के साथ, हर तरह का पेशेंट आ रहा है आपके पास ऑस्टियोआर्थराइटिस का, एक ही तरह की मेडिसिन सब पेशेंट को लिख के दे दी आपने, ठीक है। ये नहीं देखा कि आई थिंक ये पेशेंट ज्यादा हाइपरसेंसिटिव तो नहीं था, एलर्जिक रिएक्शन ये ज्यादा हाइपरसेंसिटिविटी होगी तो बेटा एलर्जिक रिएक्शन जो है वो शो करेगा ना पेशेंट इन रिस्पॉन्स, तो आपने ये नहीं देखा। आपने ये नहीं देखा जो पेशेंट आपके पास आई वो प्रेगनेंसी में थी, और आपने इसी तरह बेटा फिजिकल थेरेपिस्ट ये करते हैं, ठीक है, पेशेंट की कंडीशन नहीं देखते और एक ही तरह की एक्सरसाइज हर पेशेंट को गाइड कर देते हैं। सो दिस इज वेरी रॉन्ग बेटा, आप पेशेंट को कंडीशन को मजीद खराब करते हैं, और फिर जब वो पेशेंट बेचारा फिजिशियन के पास जाता है या किसी स्पेशलिस्ट के पास जाता है तो फिर ये लेबल दे दिया जाता है कि फिजिकल थेरेपिस्ट ने पेशेंट खराब करके हमारे पास भेज दिया, ठीक है। तो आपने इंडिविजुअल फैक्टर्स देखने होते हैं जिसमें एलर्जिक रिस्पॉन्स, प्रेगनेंसी, कोमॉर्बिडिटीज तो नहीं है, रेड फ्लैग्स को देखा करें सबसे पहले जब आपके पास कोई पेशेंट आए फिजिकल थेरेपी के लिए, सबसे पहले ये देखें उसका कोई रेड फ्लैग तो नहीं है, उसको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसके लिए आपको उसे मेडिकली रेफर करना है, ठीक है। जैसे जो है वो आपके कैंसर्स आ जाते हैं, ट्यूमर्स आ जाते हैं, तो ट्यूमर्स के केस में बेटा या आपको कार्डिक डिजीज है कोई, ठीक है, तो इन केसेस में आप फौरन से मेडिसिन की तरफ नहीं जाते, न्यूरोलॉजिकली कोई मसला था पेशेंट को और आपने पेशेंट को रेफर नहीं किया, अपनी एक्सरसाइजेस रिकमेंड कर दी तो उससे उसकी कंडीशन वर्स हो जाती है। इसके अलावा बेटा पेशेंट से ये पूछें कि पहले कोई मेडिकेशन तो नहीं लेता रहा पेशेंट, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ड्रग रिएक्शन इज वेरी कॉमन दैट लीड्स टुवर्ड्स कॉम्प्लिकेशंस और इवन डेथ की तरफ आपकी चला जाता है ये पॉइंट जिसको आप कहते हैं ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है। कुछ ड्रग्स को आप साथ नहीं देते, जैसे बेटा एंटी कोएगुलेंट्स हैं और एंटीबायोटिक्स हैं, अगर पेशेंट एंटी कोएगुलेंट्स में है तो आप उसको मेक श्योर करें कि उसको हैवी डोज एंटीबायोटिक्स नहीं दें, ठीक है। इन द सेम वे बेटा आपने ये देखना है रॉन्ग, आपने गलत पेशेंट को मेडिसिन तो नहीं दी, ठीक है, गलत डोज तो नहीं आपने प्रिस्क्राइब कर दी, टाइम ड्यूरेशन जितना आपको रखना चाहिए था, स्पेशली किन मेडिसिन का टाइम ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट होता है बेटा, एंटीबायोटिक्स का आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट्स को गाइड किया करें, अपनी फैमिली में गाइड किया करें कि एंटीबायोटिक्स जो है वो पूरे प्रिस्क्राइब टाइम के लिए लिया करें, ऑल्दो उनकी जो तबीयत है या जो कंप्लेन है वो ख़त्म भी हो जाए, लेकिन जो एक प्रिस्क्राइब टाइम है फॉर एंटीबायोटिक उसको कंप्लीट करें। इससे ये होता है कि दोबारा आपको जो इस तरह की प्रॉब्लम होती है वो होने में टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है और जल्दी नहीं होती। अगर आपने एंटीबायोटिक प्रॉपर कोर्स जो था आपका, अगर आपको डॉक्टर ने 5 दिन की एंटीबायोटिक दी थी और आप ठीक हो गए, आपने 2 दिन बाद छोड़ दी, तो दोबारा वो स्वॉट थ्रॉट और उस तरह के प्रॉब्लम्स होने में आपको जल्दी आपको वो प्रॉब्लम्स दोबारा रिकरेंस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। फिर बेटा आपने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग को देखना है, ठीक है। देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बेटा इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन, कि आपने सिर्फ रिटन प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को पकड़ा दिए, वर्बली उसके साथ कम्युनिकेट की है उस प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, उस मेडिसिन की डिटेल्स वर्बली कम्युनिकेट किया है पेशेंट के साथ, तो देट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा डॉक्यूमेंटेशन, अगेन वही रिपीटेड बातें हैं, ठीक है, इनको आपने बस कंसीडर करना है व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई ऑल दिस प्रैक्टिकली इन योर प्रैक्टिकल प्रोफेशनल फील्ड, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन को हमेशा आपने कंसीडर करना। मैथमेटिकल एरर, बेटा जब डोज कैलकुलेट करनी है, ठीक है, आई एम श्योर आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा कि डोज कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, बेटा डोज कैलकुलेट करके हमेशा पेशेंट को प्रेस्क्राइब करनी है, ठीक है। इनएक्यूरेट डेटा एंट्री, आपने डेटा एंट्री जो इनएक्यूरेट की है या फिर पेशेंट ने जो मेडिसिन लेनी थी वो ओमिट कर दी है, ठीक है, 1-2 दिन के लिए उसने पीछे बीच में गैप ले लिया है या डुप्लीकेट कर दिया, इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी आपने एड्रेस करना है। पेशेंट से पूछना है कि आपने कोई मेडिसिन ओमिट तो नहीं की, ठीक है। कौन सी डिजीजेज ऐसी होती हैं बेटा जिसमें, जैसे एपिलेप्सी है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज हैं और कार्डिक डिजीजेज में भी बॉदर करती है, लेकिन ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में जैसे कि एपिलेप्सी है, ठीक है। ओमिशन ऑफ ड्रग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि पेशेंट कहते हैं मुझे दोबारा अटैक हुआ, तो जब आप उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं तो वो खुद बता देते हैं कि मैंने 1 दिन मेडिसिन नहीं ली थी, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ों का आपने मेक श्योर करना। You are getting me, beta? Yes, ma'am. Okay.
लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक मेडिकेशंस, बेटा ये टर्म हमने पहले भी पढ़ी है, ठीक है। तो जब आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं मेडिसन्स, तो आप क्योंकि नेम्स दोनों के सिमिलर थे, ठीक है, तो आपने मिक्स कर दिया मेडिसन्स को, ठीक है। उनके आइदर नेम्स सिमिलर थे या देखने में एक जैसी थी, जैसे कि बेटा फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने आज आपको एग्जाम्पल्स इसलिए दिए ताकि अगर आपको उस दिन समझ नहीं आई तो आज आपको समझ आ जाए। सेलिब्रेक्स है बेटा, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, ठीक है। सेलिब्रेक्स एंटी कन्वल्सिंग ड्रग है और सेलेक्सा जो है वो एंटी डिप्रेसेंट है, ठीक है। आप इन तीन की, क्योंकि बेटा दे आर साउंडिंग अलाइक, ठीक है, आपको बोलने में एक जैसी लगती है ये ड्रग्स, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टोटली डिफरेंट है। वन इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, वन इज एंटी कन्वल्सेंट एंड अदर वन इज एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट मीन सेडेटिव है, ठीक है। तो बेटा आपने किसी भी ड्रग को किसी के साथ मिक्स नहीं करना। अगर आप एक एपिलेप्टिक पेशेंट को जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटी डिप्रेसेंट दे देते हैं तो ये आप क्या कर रही हैं, आप दिस इज कॉल्ड एज लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक मेडिकेशन। तो आप कॉम्प्लिकेशन जो उसकी ड्रग की कॉम्प्लिकेशन हैं उनको इंक्रीज कर रहे हैं। तो बेटा ये भी एक फैक्टर है जो लीड करता है एडवर्स इवेंट्स की तरफ, एडवर्स रिएक्शंस की तरफ। एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स, बेटा एडमिनिस्ट्रेशन में आपने विद रिस्पेक्ट टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपने क्या पॉइंट्स कंसिडर करने हैं। Obtaining the medication in a ready-to-use form may involve counting, calculating. बेटा हमेशा कैलकुलेट करके डोज देनी है पेशेंट को, ठीक है। आपने पेशेंट को कैलकुलेट करके डोज देनी है, इतनी डोज उसने डेली लेनी है और इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए उसने इस मेडिकेशन को यूज करना है, ठीक है। क्योंकि अगर उसके बाद भी पेशेंट मेडिसिन यूज करता रहता है तो उसको कहती है ड्रग ओवर यूज, ठीक है। और ड्रग ओवर यूज के जो साइड इफेक्ट्स हैं फिर पेशेंट को वो फेस करने पड़ते हैं और फिर विदड्रॉल और ड्रग जो होते हैं वो मुश्किल हो जाते हैं, कि ड्रग को छोड़ना तो पेशेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। पेशेंट जब ज्यादा अरसे के लिए एक ड्रग यूज करते हैं फिर जब वो एकदम वो ड्रग छोड़ते हैं बेटा तो विदड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, जिसमें सीजर्स वगैरह फिट्स वगैरह इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं। सो दे आर वेरी सीरियस। तो आपने पहले ही मेक श्योर करना है, पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि आपने आपकी डोज कैलकुलेटेड है और आपने इतने ही अरसे के लिए लेनी है और फिर आपने दोबारा फॉलोअप के लिए आने, ठीक है बेटा। इसी तरह एलर्जिक रिएक्शंस देखें, कुछ लोग होते हैं उनको आईवी ड्रग दी जाए ना तो फौरन से एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है थोड़ा सा पहले टेस्ट डोज देके देखिए पेशेंट को कि आईवी टेस्ट डोज आपने दी कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स तो नहीं पेशेंट ने शो किया। अगर पेशेंट ने शो किया इट मीन्स दैट पेशेंट इज एलर्जिक टू आईवी रूट, ओके। तो आप चेंज करें उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन बेटा 5 hours आपने कंसीडर करनी है। और लास्ट पॉइंट बेटा डॉक्यूमेंटेशन। एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ? यस मैम। ठीक है। ऑब्वियसली बेटा ये जो चीजें हमने पढ़ी हैं, जो पॉइंट्स हमने कंसीडर किए हैं फॉर सेफ्टी, अगर ये सब पॉइंट्स आप फॉलो नहीं करते या ये पॉइंट्स अगर आपके गलत हो जाते हैं तो आपकी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन गलत हो सकती है और उसकी वजह से एडवर्स इवेंट्स आप फेस कर सकते हैं। अब 5 hours बेटा क्या है? फर्स्ट आर है राइट ड्रग, देन राइट रूट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ही आपने पेशेंट को गाइड करना है। राइट टाइम के लिए आपने पेशेंट को ड्रग देनी है। कुछ ड्रग्स बेटा ऐसी होती हैं जिनको आप मॉर्निंग में पेशेंट को रिकमेंड करना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। पेशेंट ने ब्रेकफास्ट किया, पेशेंट ने पूरा दिन काम करना है तो पेशेंट को आप उस टाइम पे ड्रग दें, सुबह के टाइम के पेशेंट पूरा दिन काम करे और उस टाइम पे उसको ड्रग दी जाए, ठीक है। और पेशेंट जो है अगर उसको आपने सही तरह से गाइड नहीं किया, पेशेंट रात को वो ड्रग ले लेता है तो वो उतना एफिशिएंट नहीं रहता उसके लिए, ठीक है, क्योंकि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो ड्रग का वो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम आपने मैनेज करना होता है, ठीक है। इसी तरह डोज को आपने कैलकुलेट करके पेशेंट को रिकमेंड करनी होती है डोज, फिर आपने राइट पेशेंट को राइट ड्रग देनी है। तो ये बेटा 5 hours हैं, ये आपने हमेशा याद रखने हैं, ये पूछे जाते हैं आपसे। जब आपने मोनिटर करना है पेशेंट को बेटा तो आपने ये मोनिटर करना है कि आपने जो ड्रग दी है पेशेंट को उससे उसके सिम्टम्स में कोई कमी आई है, उसके सिम्टम्स की जो इंटेंसिटी थी, पेन की इंटेंसिटी थी वो कम हुई है, या पेशेंट को वॉमिटिंग की नोजिया था तो आपने देखना है कि उसके एपिसोड्स कम हुई हैं, ठीक है। सो आपने ये मोनिटर करना होता है, फिर डॉक्यूमेंट भी करना होता है आपने कि अगर पहले इतनी ग्रेड की प्रॉब्लम थी तो अब किस ग्रेड की प्रॉब्लम है पेशेंट, ठीक है, या इतनी स्वेरिटी थी इस डिजीज की तो अब कितनी स्वेरिटी है, ठीक है, अब इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ, ओके। हाउ कैन मोनिटरिंग गो रॉन्ग? बेटा ऑब्वियसली या तो आपने मोनिटर नहीं किए पेशेंट के साइड इफेक्ट्स,
ठीक है, या पेशेंट का कोर्स ड्रग का कंप्लीट हो गया था लेकिन पेशेंट ने छोड़ी नहीं वो मेडिसिन और पेशेंट लेता रहा, ठीक है, या फिर पेशेंट ने कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही मेडिसिन छोड़ी, ठीक है, दोनों केसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट बेटा ये हो सकता है कि आपने ड्रग को कैलकुलेट नहीं किया डोज को और पेशेंट को बस रिकमेंड कर दिया, आपने डोज कैलकुलेट नहीं की, ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये हो सकता है कि आपने उसके साथ कम्युनिकेट नहीं किया प्रॉपरली, एक्सप्लेन नहीं किया उसको ट्रीटमेंट में, ठीक है। सो बेटा डू यू नो विच ड्रग्स नीड ब्लड टेस्ट टू मोनिटर लेवल, कोई ऐसी ड्रग्स के नाम पता है बेटा आपको जिसको मोनिटर करने के लिए आपको ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते हैं और आपको पता चलता है कि आइदर पेशेंट को की कंडीशन इंप्रूव हुई है कि नहीं। यस बच्चों कौन सी ड्रग्स ऐसी हैं जिनके रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए आपको ब्लड टेस्ट करवाने होते हैं? मैम जिसकी वजह से कोई एलर्जी हो जाए या जिससे पेशेंट जो है वो हाइपर सेंसिटिव हो, वो वाली ड्रग। तो बेटा एलर्जी तो आपको वैसे ही विजिबल हो जाएगी ना, पेशेंट ने एलर्जिक रिस्पॉन्स शो किया वो आपको वैसे विजिबली ऑब्जर्व करने से भी आपको पता चल गया, ठीक है। अब कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए आपको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है? तो आप लेवल्स देखते हैं कि अब इसका लेवल ज्यादा तो नहीं हो गया पहले से, ठीक है, या इसका लेवल पहले से कम हुआ है कि नहीं हुआ, ड्रग ने अपना इफेक्ट जो है वो पेशेंट ने उस ड्रग के जो अफेक्ट हैं उनको उनके साथ कोप किया है कि नहीं किया, ड्रग रेजिस्टेंट तो नहीं था पेशेंट ड्रग के साथ। बेटा ये होते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, लिपिड्स लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, ठीक है, आप इन लेवल्स को देखते हैं। अगर पेशेंट हार्ट डिजीज के साथ आए आपने उसका कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री लिया तो वो कहते हैं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, आपने लैब टेस्ट करवाए और आपने देखा वाकई उसका कोलेस्ट्रॉल जो था वो हाई था, फिर आपने उसको जब ट्रीटमेंट दी आपने उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने के लिए आपने ट्रीटमेंट दी, अब बेटा जब फॉलोअप के लिए वो आपके पास आएगा ना तो आपने कैसे मॉनिटर करना है कि आई थे वो जो ड्रग आपने दी थी उसने कंट्रोल किया उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कि नहीं किया? तो बेटा आप उसका ब्लड टेस्ट करवाएं, आपको फिर पता चलेगा कि आइदर आपकी जो ड्रग थी जो मेडिसिन थी वो इफेक्टिव हुई पेशेंट के लिए कि नहीं, ठीक है। बिकॉज यू पीपल नो कि हार्ट डिजीजेज में कार्डिक डिजीजेज में ब्लड कोलेस्ट्रॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो इस तरह ब्लड कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, बेटा ट्राइग्लिसराइड, तो ये सारे आप लैब टेस्टिंग के थ्रू मोनिटर करते हैं कि आइदर पेशेंट के कम हुए हैं पहले से लेवल्स या नहीं हुए। क्लियर? यस मैम। अच्छा बेटा अब दूसरे पॉइंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कौन से पेशेंट्स ऐसे हैं जो ज्यादा रिस्क पे होते हैं मेडिकेशन ले रहे हैं, जिनके जिनके साथ आपको ज्यादा जो है वो जिनको ज्यादा कंसीडर करना चाहिए जब आप प्रेस्क्राइब कर रहे हो मेडिसिन। बेटा ऐसे पेशेंट जिनकी आपने हिस्ट्री ली और आपको पता चला ये पहले से बहुत सारी मेडिकेशन ले ही रहे हैं, ठीक है, इनको और बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज हैं जिनके लिए वो मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है। अब उनको प्रिस्क्राइब करने के लिए मेडिसिन आपने बहुत कॉशियस होके बहुत कंसर्न के साथ आपने उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, क्योंकि क्या हो सकता है ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है, जो पहले से वो मेडिसिन ले रहे थे उसके साथ जो आपने अब प्रिस्क्राइब की मेडिसिन तो ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है तो रिस्पॉन्स आपको एडवर्स इवेंट में हो सकता है, ठीक है। दूसरे इस तरह के पेशेंट्स बेटा जिनको कोई और प्रॉब्लम है जिसमें रीनल इम्पेयरमेंट, ठीक है, रीनल कोई डिजीज है या प्रेगनेंसी में पेशेंट आपके पास आया है, तो बेटा इन दो केसेस में आपने क्योंकि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं बेटा जो रीनल इम्पेयरमेंट के पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, ठीक है, इसी तरह कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के पीरियड में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं बिल्कुल, ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है। देन बेटा उन पेशेंट्स को आपने देखना है जिनके साथ आप डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, जैसे कोई स्पेशल पीपल आपके पास आते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन आते हैं, ठीक है, जो मेंटली किसी एबनॉर्मेलिटी के साथ आते हैं तो फिर उनके साथ आप कम्प्लीटली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, या बेटा जैसे एपिलेप्सी वगैरह के या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनके उनको जब अटैक हुआ या जब उनको फिट करा पड़ा तो उनकी क्या कंडीशन थी, क्या इन्वायरमेंट था, क्या सिनेरियो था, तो वो आपको कम्प्लीट हिस्ट्री नहीं दे पाते, ठीक है। तो आपने इस तरह के पेशेंट्स में मेक श्योर करना होता है कि आप उनके फैमिली मेम्बर्स जो उनके साथ केयर टेकर उनका है उससे कम्प्लीट हिस्ट्री लें, ठीक है, सिर्फ उस पेशेंट की हिस्ट्री पे रिलाई नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा वो पेशेंट्स जो आपके अलावा और दो तीन डॉक्टर्स को भी दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये ना हो कि उस डॉक्टर की एक दो मेडिसिन वो यूज करना शुरू कर दें, एक मेडिसिन आप भी यूज करना शुरू कर दें, तो उन्हें मेक श्योर करना है कि किसी एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करें, ठीक है। वो पेशेंट्स बेटा जो अपनी मेडिकेशन को एक्टिवली जो है वो यूज नहीं करते,
ठीक है, जो उनको टाइम बताया जाता है वो उस पर प्रॉपर फॉलो नहीं करते प्रिस्क्रिप्शन को, तो इस तरह के पेशेंट्स को आपने ज़्यादा कंसर्न के साथ देखना होता है। फिर बेटा बच्चों में और बेबीज में आपने इसमें ये आपको ध्यान बहुत रखना होता है कि डोज कैलकुलेट करके उनको दें। इसी तरह बेटा बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो आप सोचते हो कि हमारा इससे क्या ताल्लुक है। बेटा बच्चों में बेबीज में आप फिजिकल थेरेपी प्लान बनाते हुए बहुत केयरफुल रहते हैं, क्योंकि आपको पता है ये बच्चों की ग्रोइंग एज है। आपने कोई ऐसी एक्सरसाइज पेशेंट को रिकमेंड नहीं करनी जिससे उसकी ग्रोथ क्या हो, स्टॉप हो जाए, ठीक है, या उसकी ग्रोथ सप्रेस हो जाए, ठीक है। इसी तरह उसको ऐसी कोई आपने एक्सरसाइज इंटेंस एक्सरसाइज गाइड नहीं करनी जिससे उसकी ग्रोथ अर्ली एज में रुक जाए, ठीक है, जैसे वेट बेरिंग वगैरह होती है। तो बेटा हमारी फील्ड में भी यही पॉइंट्स फॉलो किए जाते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह इस फील्ड को लेके जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इन व्हाट सिचुएशंस आर स्टाफ मोस्ट लाइकली टू कंट्रीब्यूट टू अ मेडिकेशन एरर। अब स्टाफ की क्या ड्यूटी है बेटा, इनएक्सपीरियंस स्टाफ, ठीक है, नर्सिंग स्टाफ एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है, तो उसने ड्रग एडमिनिस्टर करते हुए पेशेंट को कोई एलर्जिक रिएक्शन शो हो गया, स्वेलिंग हो गई, रेडनेस हो गई, इचिंग स्टार्ट हो गई, तो ये बेटा इनएक्सपीरियंस है। रशिंग, जल्दी जल्दी में आपने बहुत सारे पेशेंट्स को जो है वो करना है और मॉनिटर करना है, और आप जो है वो इस केस में मेडिकेशन एरर की तरफ किसी भी पेशेंट को लेके जा सकते हैं। देन बेटा डूइंग टू थिंग्स एट वंस, एक नर्सिंग स्टाफ जो है वो तीन चार पेशेंट्स को देखती है एक ही टाइम पे या दो तीन काम कर रही है एट द सेम टाइम, तो बेटा इस तरह आपकी अटेंशन जो है वो डिवाइडेड अटेंशन बन जाती है और वो लीड करती है टूवर्ड्स मेडिकेशन एरर। इंटरप्शंस, ठीक है, अगर आपकी ट्रीटमेंट प्लान में अगर इंटरप्शंस ने इंटरप्ट किया जा रहा है आपके प्लान को, तो बेटा वो भी लीड करता है टू मेडिकेशन एरर। देन फटीग, ठीक है, अगर आपने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे जिसमें आप सेल्फ असेस करते हैं खुद को एज अ हेल्थ केयर वर्कर, उसमें आपने बेटा फटीग पॉइंट पढ़ा था जी मैम, तो बेटा ये वही पॉइंट है कि अगर आप खुद ही फटीग है बीइंग अ हेल्थ केयर वर्कर, तो आप क्या पेशेंट को अपनी ड्यूटी कैसे इफेक्टिवली परफॉर्म करेंगे, ठीक है। लैक ऑफ चेकिंग, आप मॉनिटर नहीं कर रहे पेशेंट को, पुअर टीम वर्क है आपका, और बेटा आप में भी एड्स यूज नहीं कर रहे। तो बेटा वर्क प्लेस का बहुत डायरेक्ट रिलेशन है आपके मेडिकेशन एरर्स के साथ, ठीक है। अगर आप अपने काम में आपके वर्क प्लेस पे जो स्टाफ है वो इनएडिक्वेट है, इनएक्सपीरियंस है, या नंबर ऑफ स्टाफ इज इनएडिक्वेट कि कम स्टाफ अवेलेबल है और नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा है, तो बेटा ये भी एक फैक्टर है जो मेडिकेशन एरर की तरफ लीड करता है। सो बेटा टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट लीड टू कॉन्ट्रीब्यूट टू मेडिकेशन एरर्स, एक आपने लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक मेडिकेशन, कोई और मेडिकेशन आपने देनी थी और आपने कोई और मेडिसिन दे दी या देखने में एक जैसी थी, ठीक है। एम्बिगियस लेबलिंग, आपने पेशेंट को जो मेडिसिन देनी थी, जो नर्सिंग स्टाफ का काम है कि उन मेडिसिन को लेबल करना कि इस पेशेंट को यही मेडिसिन देनी है, वो आपने लेबलिंग सही नहीं की पेशेंट की, तो बेटा ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो बेटा ये जो पॉइंट्स थे मैंने आपको बताए थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपने मेक श्योर करने के आपको पता हो कि मेडिकेशन सेफ्टी में आपने कौन से पॉइंट्स फॉलो करने। अगेन ये वही स्लाइड है बेटा, जेनरिक नेम्स यूज करने चाहिए, ट्रेड नेम्स नहीं यूज करने चाहिए, ठीक है। टेलर योर प्रेस्क्रिप्शन मीन्स कि आपने देखना है पेशेंट को कौन सी कोमॉर्बिडिटीज है, उन कोमॉर्बिडिटीज के अकॉर्डिंगली कि पेशेंट को और भी कोई मसला है तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रेस्क्रिप्शन को चेंज करें, ठीक है। सब पेशेंट्स को एक जैसी प्रिस्क्रिप्शन नहीं दें, बहुत डिटेल में बताया कि आपकी मेडिकेशन सेफ्टी के साथ। नो द मेडिकेशन यू प्रिस्क्राइब, मेडिसिन आपने प्रिस्क्राइब को ऑब्वियसली जिसकी आपको सारी डिटेल, आपको साइड इफेक्ट्स पता है, आपको इंडिकेशंस कॉन्ट्रा इंडिकेशन सब कुछ पता है। इज Till now? Yes, ma'am. क्या आपने पेशेंट जिसके थ्रू पेशेंट को है कि उसने कब कौन सी मेडिसिन देनी है, ठीक है। फाइव आवर्स को आपने हमेशा याद रखना है, ये फाइव आवर्स ऑफ मेडिकेशन सेफ्टी आपको वाइवास में मेडिसिन के वाइवा में, ठीक है, भी करना चाहिए पेशेंट के साथ, ठीक है, करना चाहिए पेशेंट को कि पेशेंट कोई एलर्जी
यस इम्पोर्टेंट, एक फिजिशियन की, एक डॉक्टर की, हेल्थ केयर वर्कर की, ये दो है उसको ये डेवलप करनी चाहिए अपने अंदर हैबिट्स। इस तरह मेडिकेशन अनलेस होना चाहिए बेटा, कोई फार्मासिस्ट आपके पास आए और आप उन्होंने आपको कहा है कि जो है उसकी एडवर्टाइज कोई पेशेंट अगला आया आपने उसको वो दे टू मेक श्योर कि 100% एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पेशेंट यूजफुल है, पेशेंट को कोई हार्म तो नहीं है उसका, फिर वो पेशेंट पढ़ना ना करें ठीक है। परफेक्ट बेटा, प्रैक्टिस के साथ आपको पता चल चीज पेशेंट लिए ज्यादा बेहतर। एक दफा आपने पेशेंट फील किया कि इसके इतने अच्छे इफेक्ट्स नहीं थे, आपने देखा इसको मैं ये प्रिस्क्राइब करके देख ज्यादा बेहतर है, तो बेटा प्रैक्टिस के साथ नंबर ऑफ पेशेंट्स फील करने के साथ आप ज्यादा पता चलता है क्या चीज बेहतर है। इंकरेज पेशेंट्स टू बी एक्सपेक्ट बेटा, जब आप पेशेंट को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं प्रोसेस, अगर आप उसको कुछ बता ही नहीं रहे, उसको कुछ पता ही नहीं है, उसके साथ पार्टिसिपेट करेगा आपके साथ, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नहीं देते ना बेटा तो आपका घंटे लगा दे पेशेंट पे वो देट इज यूजलेस। अगर आप पेशेंट को मोटिवेट करते हैं तो उस पर अगर आपने एक घंटे का आधे घंटे का भी पेशेंट को सेशन दिए तो देट इज़ यूजफुल कि पेशेंट मोटिवेट होकर आपके पास कोई टेक होम मैसेज भी लेके जा रहे हैं घर जा तो मोटिवेशन के साथ जा रहे फॉलो कर रहा है। ओके सेफ प्रैक्टिस आपके लिए क्या स्किल्स जरूरी हैं आप ठीक है बेटा मैं आपको बताए गए हैं उसको आपका एट द एंड पेशेंट सेफ्टी को एनहेंस करना, मेडिकेशन सेफ्टी विल इंपैक्ट द वे ये स्टेप्स आप मेडिकेशन सेफ्टी को एनहेंस कर रहे हैं ठीक है, तो ये फॉलो करते हैं बेटा ये इंप्रूव करने मेडिकेशन सेफ्टी को फॉलो करने ताकि एक्टिविटी परफॉर्म करें एक रिस्क फ्री और पेशेंट आपके साथ आपके पास के आउटकम्स के साथ ठीक है बेटा। ऑब्वियसली आपका वायदा है तो मेरा प्लान ये था कि आपने कभी ऐसा कोई इंसिडेंट देखा है कोई ऐसा आपने देखा हो अपने रिलेटिव्स में या अपनी वगैरह इसमें देखा हो कि पेशेंट ने मेडिसिन की वजह से कोई एडवर्स इवेंट फॉलो जो है वो फेस किया है, तो बेटा कभी आपने किया ऐसा कोई इवेंट ऐसा कोई एडवर्स रिएक्शन फेस किया है जिसमें आपने देखा हो कि पेशेंट ने मेडिसिन ली और एज अ रिजल्ट उसने कोई एडवर्स रिएक्शन शो किया, इज देयर एनी इवेंट? मैम हेडेक वगैरह होता है बेटा, वो तो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना एक मेडिसिन के ठीक है, तो वो तो साइड इफेक्ट सबको ही तकरीबन हर तरह का पेशेंट जो है वो फेस करता है। एडवर्स रिएक्शन बेटा होते इट इज समथिंग मोर सीवियर, थोड़ी सी ज्यादा साइड इफेक्ट इज वेरी माइल्ड ठीक है, जो रिएक्शन है ना एडवर्स रिएक्शन ये थोड़ा मॉडरेट है, इसमें ये होता है कि पेशेंट फौरन से एक रिएक्शन देते हैं और फौरन से पेशेंट चाह रहा होता है कि किसी वक्त इसको कंट्रोल किया जाए अदरवाइज वो जो है वो मेडिसिन विड्रॉल की तरफ चल जाता है, मेडिसिन ही छोड़ देता है नेक्स्ट डोज ही नहीं लेता मेडिसिन ठीक है, तो इस तरह के केस को आप कहते हैं एडवर्स रिएक्शन ठीक है। हेडेक होना, नोसिया, वॉमिटिंग ठीक है, ये तो आप देखते हैं कि मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स होते हैं ठीक है, स्टमक अपसेट हो जाना ये सारा ये साइड इफेक्ट्स है। मैम अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो वो भी एडवर्स इफेक्ट में आएगा? यस बेटा दिस इज एडवर्स रिएक्शन ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट एडवर्स रिएक्शन जिसको आपने कंट्रोल करना है ठीक है, अदरवाइज ये लीड करेगा एडवर्स इवेंट की तरफ और इन केसेस जिसमें बहुत ज्यादा सीवियर एडवर्स रिएक्शन होते हैं बेटा वो डेथ की तरफ भी लीड करते हैं, जैसे कि आपने एनाफिलैक्सिस शॉक पड़ा होगा अपने फार्मा में ठीक है, आई एम श्योर कि आपने पढ़ा है मेडिकेशन के एडवर्स रिएक्शन में एनाफिलैक्टिक शॉक की तरफ चला जाता
टेंशन ये इतनी स्वेटी आ जाती है पेशेंट डेथ की तरफ चला जाता है. ठीक है, टेकीकार्डिया इज वन ऑफ द मोस्ट एडवर्स रिएक्शन. ठीक है, क्वेश्चन हियर बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू योर. ठीक है, तो रिटन एग्जाम में आपने मेक श्योर करना है आप क्या आते हैं. अ 12 ओल्ड बॉय रिक्वायर्स 15 एमबीए. बेटा देखिए किसी 2 years का, ठीक है, ठीक है, और रिक्वायर्ड है बेटा 15 mg पर केजी. पर केजी उसका वेट है तो कितनी 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, तो इस बच्चे को इतनी मेडिकेशन, उसको मेडिकेशन आपने प्रिस्क्राइब कर दी. ये मेडिकेशन किस फॉर्म में अवेलेबल है? सिरप. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा बच्चे का? ओरली. कंसंट्रेशन 120 mg पर. तो बेटा जो आपके उसको आपने कैलकुलेट कर लेना है 5 ml. वो ऑब्वियसली आपके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने मल्टीप्लाई कर देना. ठीक, उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रिस्क्राइब करनी. ठीक है बेटा, प्रिस्क्राइब कैलकुलेट करें. जिन बच्चों कैलकुलेट करें. ट्वेल्व के जी बच्चे का वेट है. ठीक है, और आपने उसको पर के जी और वेट उसका जी 15 mg उसको केजी है. 15 को 12 से हमने मल्टीप्लाई कर जी पर के जी 180 mg पर जो पेशेंट को हमने देनी है. अब बेटा जो सीरप है पर 5 ml है. ठीक है, तो नहीं देंगे ना आप. ठीक है, 7 ml करेंगे तो इतने ml आप उसको प्रिस्क्राइब करेंगे अकॉर्डिंग टू. अब आपने ये डिपेंड किया पेशेंट के, तो हर पेशेंट की डोज देखते हैं और उसके इंडिविजुअली करते हैं. आप पेशेंट नीड of medication that comes in 1 mg of the drug open inject. Ab beta iska case hum discuss. It 38 years comes to the hospital with 20 minutes facial swelling. Ab beta main aap bhi de deti hu is case ki isme you jo hai wo hospital aayi. Theek hai, जो है वो रेड इची रेड रैश फेशियल और आपको पता है बेटा पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं जिसमें क्लास तो चुप हो गई है मैम. आवाज कट कट के आ रही है आपकी. मतलब कुछ चेक कर रही थी. आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? वॉइस इज क्लियर मैम? बीच में से कट जाती आवाज. ओके, नाउ इट इज. नो मैम. मैम कट गई. बच्चे इसे क्लियर टू यू? यस मैम. आप आई इसमें आपको गाइड करूं कि थोड़ी मैम फिर कट रही है आवाज आप. Is clear? No ma'am. Ma'am सिर्फ क्लियर सुनाई दिया है. ओके, ये डिस्कस करेंगे. 30 ओल्ड वुमन कम्स टू यू और बेटा ऑलरेडी पेशेंट के सिम्टम्स के साथ आया जो है वो उसको ऑब्जर्व नहीं किया, उसको आईवी के न्यूला लगा तो 10 ml सिरिंज
ड्रग जो है वो आई वी एडमिनिस्टर कर दी, ठीक है, वो एलर्जिक रिएक्शंस के सिम्टम उसने डॉक्टर ने नहीं किया, पेशेंट से पूछा सिम्टम्स तो नहीं वो फील कर रहा, ठीक है, और प्रिस्क्राइब कर दी और डॉक्टर ने वो 10 ml एड्रेलिन जो है वो लगा दी एपिनेफ्रिन कैन्यूला के थ्रू. बेटा ऑलरेडी वो एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम्स शो कर रहा था, फील किया टेरी, उसका हार्ट रेट इंक्रीज कर गया, अनकॉन्शियस विद नो पल्स. एक थी पेशेंट की, पेशेंट गैप था कि डॉक्टर किया जिसकी वजह से पेशेंट फॉरेंस से नर्स ने कर दी और वो भी सब अनकॉन्शियस की तरफ चला गया और अनकॉन्शियस विद नो इज बिकॉज पेशेंट इज हैविंग विजन सिम्टम्स और पेशेंट को कम्युनिकेट नहीं किया पेशेंट डॉक्टर से, ये एडवर्स इवेंट जो है वो फेस किया. कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू दिस एरर टू यू मैम, आवाज बहुत ज्यादा कट रही है आपकी. Clear to you now? No, ma'am. ma'am, दरमियान में से आवाज गायब हो जाती है. अब देखिए बेटा क्लियर है? Yes, ma'am. तो आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे, अनकॉन्शियस लेवल की तरफ गया. तो बेटा लैक ऑफ कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट, डॉक्टर ने पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कि पेशेंट ऑलरेडी एलर्जी कर रहा था, स्वेलिंग थी वहाँ पे, इचिंग थी, और इन एलर्जिक रिएक्शन के साथ इस इन सिम्टम्स के साथ पेशेंट को आईवी ड्रग नहीं देनी चाहिए थी. सो लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. इसके अलावा बेटा जब पेशेंट ने एडमिनिस्टर की ड्रग तो ऑब्वियसली इनएडिक्वेट लेबलिंग ऑफ द सिरिंज भी थी, गिविंग अ सब्सटेंस विदाउट चेकिंग एंड डबल चेकिंग व्हाट इट इज, लैक ऑफ केयर विद पोर्टेंट मेडिकेशन. तो बेटा ये दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इस केस में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर वॉज लैक ऑफ कम्युनिकेशन. कभी भी पेशेंट एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम्स के साथ आए कभी भी उसको आई वी ड्रग नहीं लगाते, उससे उसके सिम्टम्स इंक्रीज कर जाते हैं. यहाँ पे आपने देखा पेशेंट टैकीकार्डिया की तरफ गया, फिर पेशेंट अनकॉन्शियस लेवल की तरफ गया और पल्स डेफिसिट की तरफ चला गया. पल्स डेफिसिट मीन कि जब पेशेंट की पल्स थी वो खत्म हो गई, ठीक है. So how could this error have been prevented? बेटा कैसे prevent कर सकते थे? Most important point बेटा complete उससे history taking करते, complete उसके साथ communicate करता doctor, communication gap कम होता तो patient इस condition की तरफ ना जाता. बेटा ये एक और example है, इसमें आप एक patient आपके पास आया है, ठीक है, और treatment of deep venous thrombosis के साथ, ठीक है, पेशेंट था और उसको एंकल फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, उसको ओरल एंटीकोएगुलेंट्स दिए गए. अब पेशेंट ऑलरेडी क्या ले रहा है बेटा, एंटीकोएगुलेंट्स ले रहा है, ठीक है, और आपको पता है कि एंटीकोएगुलेंट्स का जो ट्रीटमेंट कोर्स होता है वो एक आप स्पेसिफिक पीरियड के लिए देते हैं, ठीक है, उस पीरियड से ज्यादा एंटीकोएगुलेंट्स को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे होते हैं बेटा, एंटीकोएगुलेंट्स का क्या एक्शन होता है, एनीवन, आपने फार्मा में पढ़ा होगा. लेकिन पेशेंट को भी नहीं पता था और जो डॉक्टर है, जो कम्युनिटी डॉक्टर था जिसने प्रिस्क्राइब की थी, उसने उसको कम्युनिकेट ही नहीं किया, उसको डिटेल ही नहीं बताई कि ये ट्रीटमेंट, ये ड्रग उसने कितने ड्यूरेशन के लिए लेनी है, ठीक है, एंड पेशेंट कंटिन्यू मेडिकेशन फॉर सेवरल इयर्स, पेशेंट सेवरल इयर्स के लिए वो लेता रहा है, ठीक है, बीइंग अननेसेसरीली एक्सपोज्ड. और फिर बेटा इसके साइड इफेक्ट में पेशेंट किस पेशेंट को क्या एडवर्स रिएक्शन पेशेंट शो करता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग एसोसिएटेड विद दिस मेडिकेशन. तो बेटा पेशेंट ने क्योंकि जो उसका प्रेस्क्राइब टाइम था, ड्यूरेशन था ड्रग का, उस कोर्स से ज्यादा उस मेडिसिन को यूज किया, तो उसकी वजह से उसने ये एडवर्स रिएक्शन शो किया, ठीक है. तो इसमें कौन सा आर फैक्टर है बेटा, राइट टाइम,
ठीक है, तो पेशेंट को गाइड करें कि राइट टाइम क्या है इस मेडिसिन का, ठीक है. सो दिस वाज द पॉइंट हियर. ओके, अच्छा बेटा, अगर एक पेशेंट जो है वो एंटी कोएगुलेंट्स ले रहा है, ठीक है, और वो आपके पास आता है डेंटल इन्फेक्शन के साथ, ठीक है, और आप उसको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो हमेशा याद रखना बेटा कि आपकी एंटी कोएगुलेंट्स का ड्रग इंटरेक्शन होता है एंटीबायोटिक्स के साथ, तो पेशेंट क्या एडवर्स रिएक्शन शो कर सकता है, स्पॉन्टेनियस रिट्रोपेरिटोनियल हेमरेज, ठीक है, और इसके लिए आपको जो है वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट रिक्वायर होती है फिर आपको, और इसके लिए आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी पड़ती है पेशेंट को. तो हमेशा मेक श्योर करें कि अगर एक पेशेंट एंटी कोएगुलेंट्स ले रहा है तो उसको एंटीबायोटिक्स मत दें, ठीक है, उस दौरान साइमल्टेनियसली दोनों चीजें मत दें, क्योंकि उससे ड्रग इंटरेक्शन शो करता है पेशेंट और सीरियस कोई भी कंडीशन हो सकती है, सीरियस एडवर्स रिएक्शन हो सकता है, जिसको आप वो आप जरूरी नहीं है कि आप उसको टाइमली मोनिटर करेंगे तो वो मोनिटर हो जाएगा, अदरवाइज आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. ओके, कैन यू आइडेंटिफाई द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर दिस मेडिकेशन एरर? सो बेटा, इन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन. अगर आपको पता होता कि पेशेंट पहले से एंटी कोएगुलेंट्स ले रहा है तो आप उसको कभी भी एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब नहीं करते, ठीक है. आपको पता होता कि इनके दरमियान आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन को कब छोड़ना है और दूसरी मेडिसिन को स्टार्ट करना है. आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरेक्शन क्या है एंटीबायोटिक का एंटी कोएगुलेंट्स के साथ, ओके. और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक पेशेंट एंटी कोएगुलेंट्स ले रहा है कितने टाइम के लिए उसे एंटी कोएगुलेंट्स छुड़वाने हैं और फिर उस टाइम के बाद उसको एंटीबायोटिक देने हैं, ठीक है. और दूसरा पॉइंट है बेटा लैक ऑफ मॉनिटरिंग. आपने ब्लड टेस्ट करवा लिए करवा लें अगर आप, तो आपको पता चल जाता है कि पेशेंट को पेशेंट के ने ज्यादा अर्से के लिए एंटी कोएगुलेंट्स तो नहीं लिए, तो बेटा आपको ब्लड टेस्ट से भी पता चल जाता है कि किस तरह के पेशेंट को किस तरह की ट्रीटमेंट रिकमेंड करनी चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सबसे इजी पॉइंट है कम्युनिकेशन. अगर आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करें तो आपको इन सब चीज़ों का पता चल जाता है. अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते पेशेंट के साथ, आपको लगता है कि आपने इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं किया, सारी डिटेल नहीं ली पेशेंट की, तो फिर आप लैब टेस्ट करवा लें, ठीक है. सो किस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन एरर्स को बेटा, आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, मेमोरी एड्स यूज करें आप, ठीक है. मेडिकेशंस में आपको पता हो उसके एडवांटेजेस का, उसके डिसएडवांटेजेस का, कहाँ पे आपने देनी है ये मेडिसिन, कहाँ पे इसकी इंडिकेशन है, कहाँ पे कौन सा इंडिकेशन है. फिर मॉनिटरिंग मेडिकेशन इफेक्ट, अगर आपने दे दिए, प्रिस्क्राइब कर दिए कोई ड्रग पेशेंट को, तो फिर उसके मॉनिटरिंग भी करें, ठीक है, साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर भी करें. इसके अलावा बेटा आप ये पूछ सकते हैं पेशेंट से, हाउ लॉन्ग विल आई नीड दिस न्यू मेडिकेशन फॉर, विल दिस एंटीबायोटिक. ओके, आपने और किस तरह के क्वेश्चन पेशेंट के साथ करने चाहिए? अगर पेशेंट खुद नहीं पूछता तो आप खुद उसको बताएं कि कितने अरसे के लिए उसको उसने ये मेडिसिन लेनी है, ठीक है. अगर खुद पेशेंट नहीं पूछता कि इस मेडिसिन के साथ कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो मुझे नहीं लेनी चाहिए, तो आप उसको खुद बताएं कि ये एंटीबायोटिक अगर आप ले रहे हैं तो इसके साथ ये वाली मेडिसिन नहीं लेनी, ठीक है. सो अगर पेशेंट आपसे खुद नहीं क्वेश्चन करता तो आप खुद उसको एक्सप्लेन करें. So you are going to encourage the patient to ask you more questions. आप encourage करेंगे patient को तो patient आपसे खुद questions पूछेगा. और बेटा जितना communication gap आप कम करेंगे उतना patient आपके साथ easy होके comfortable होके आपसे questions करेगा. So is everything clear to you? Yes, ma'am. Okay. Rest of the students, बेटा सिर्फ हम आज नहीं paper देना है patient safety का, मुझे ये बताएं. मुझे तो यही लगता है कि हम आज नहीं पेशेंट सेफ्टी का पेपर देना. बेटा टुडेज योर रिस्पांस वाज वेरी नॉन सीरियस. पेशेंट सेफ्टी का पेपर भी बेटा रिटर्न बनेगा जब आपका वहां, तो आपकी कोई इंटरनल असेसमेंट भी नहीं है जो आपको हेल्प करेगी, ठीक है. आपने वो पेपर में ही जो लिखना है वही आपके मार्क्स होंगे, ठीक है. माइनर ये सब्जेक्ट माइनर नहीं है, ये सब्जेक्ट में आपको ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है बिकॉज इसका आपका सिर्फ रिटन पेपर होगा, ठीक है. आपकी इसकी कोई इंटरनल असेसमेंट नहीं है पेशेंट सेफ्टी की जो आपको हेल्प कर देगी, आपके मार्क्स को अच्छा बना देगी, आपके ग्रेड को अच्छा बना देगी, ठीक है. तो जो आपने क्लास में पढ़े वही आप लोग रिटन में लिखेंगे, और बेटा उसमें मैं आपको कोई फेवर नहीं दे सकती. तो इट्स अप टू यू कि इतने से लेक्चर्स को भी अगर आप सीरियसली नहीं ले रहे तो इट्स अप टू यू, ठीक है. आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स बेटा अपलोड हो गए थे जी पोर्टल पे, वो आप देख लीजिएगा. ओके मैम. ओके मैम. ओके बेटा. इसके अलावा आपका कोर्स आज पेशेंट सेफ्टी का कंप्लीट हो गया. योर सिलेबस इज कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड. आपके जितने भी लेक्चर्स है बेटा
वो मैंने आपको डिलीवर कर दी है. एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन LMS, योर रिकॉर्डिंग्स, योर लेक्चर, योर स्लाइड्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर. स्टिल इफ यू पीपल आर हैविंग एनी प्रॉब्लम बेटा रिगार्डिंग द लेक्चर, तो यू पीपल कैन कम टू मी इन ऑफिस 202. कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो वहाँ आके पूछ लें, अदरवाइज ईमेल के थ्रू मुझसे कॉन्टेक्ट कर लें. अगर कोई टॉपिक समझ नहीं, कोई लेक्चर समझ नहीं आया तो हम लोग दोबारा रिविजन क्लास अरेंज कर लेंगे और मैं आपको समझा दूंगी. ठीक है बच्चे? ओके मैम. ओके मैम. ओके बेटा, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. अटेंडेंस बेटा आपकी लग जाएगी सबकी. अल्लाह हाफिज़.